हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, समझ में नहीं आ रहा है कि हम बिग बॉस देख रहे हैं या हम साथ साथ हैं फिल्म देख रहे हैं। सारे के सारे भाईचारे में लगे हुए हैं, किसी को ट्रॉफी की पड़ी ही नहीं है। किसी के भी दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि ये गेम है, एक्सेप्ट रणवीर। क्योंकि रणवीर को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसको किसी से अटैचमेंट है। उसको किसी से अटैचमेंट नहीं है, ही इज वेरी क्लियर कि ये गेम है। और बिग बॉस ने भी कितनी कोशिशें की कंटेस्टेंट्स को आपस में लड़वाने की, कितनी साजिशें की, पर सारी की सारी फेल हो गई। क्योंकि इन सब के दिमाग में ये चल ही नहीं रहा है कि ये गेम है, कोई एक ही जीतेगा। सारे के सारे भाईचारे में लगे हुए हैं, प्यार वाला घर बनाकर रखा हुआ है और हर बार की तरह इस बार भी बिग बॉस ने अनफेयर एविक्शन किया। पॉलमी ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, थोड़ा बहुत कंटेंट दिया है, पर मोनिशा टैरो कार्ड पढ़ने के अलावा और कहीं पर नजर आई नहीं है। वो जब भी उनका क्लिप आता है, जब भी कुछ उनका दिखाते हैं ना, तो वो सब पर टैरो कार्ड ही पढ़ रही होती हैं। इस इविक्शन के लिए बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को जो टास्क दिया था स्टेपर पर चलने वाला, जो ये था कि अगर वो बॉटम टू की सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं तो वो स्टेपर पर चलें। और बॉटम टू में पॉलोमी और मोनिशा थे और चंद्रिका बॉटम टू में नहीं थी। तो घर वालों ने अपना दिमाग नहीं चलाया और 3 घंटे कंटिन्यूसली स्टेपर पर चलते रहे। किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि ये किसी को सेव करने का टास्क नहीं है, ये बॉटम टू की सिचुएशन को चेंज करने का है। ये क्या बात करता है यार। लेकिन इस टास्क में ना एक चीज देखने को मिली कि चंद्रिका दीदी ने सबसे अच्छे से बनाकर रखी है। मतलब ऑलमोस्ट कंटेस्टेंट्स उनके सपोर्ट में थे, लेकिन फिर भी चंद्रिका बच गई और पॉलोमी का एविक्शन हुआ। लेकिन अगर पॉलोमी डेढ़ साड़ी नहीं बनी होती तो शायद उनका एविक्शन नहीं होता। और इविक्शन के बाद ना रणवीर कहते हुए नजर आए थे, जो बिल्कुल सही है कि किसी कंटेस्टेंट्स के साथ आपका जो भी रिलेशन है, जो भी कुछ है, ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर बिग बॉस ने चॉइस दी है तो चूज करना पड़ेगा। और अगर पॉलोमी डेढ़ साड़ी नहीं बनी होती तो वो नहीं होता उसका एविक्शन। वैसे इस टास्क से ना एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि शिवानी जैसी दिखती है ना, वो वैसी नहीं है। वो ना बहुत ड्रामेबाज है, बहुत ही ज्यादा। वैसे तो उसके घुटनों में इतने दिनों से बहुत दर्द था, ठीक है, लेकिन स्टेपर पर चलने के टाइम पर वो चलने लगी। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। सना मकबूल ने हाईलाइट भी किया था शिवानी को कि तुम्हारे तो घुटनों पर दर्द था। तो लेकिन किसी ने भी इस चीज पर ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। स्टार्टिंग में सना मकबूल के लिए ऑलमोस्ट कंटेस्टेंट्स यही बोलते हुए नजर आए थे कि पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही है सना मकबूल से। लेकिन शिवानी जो इतनी ड्रामे कर रही है उनसे उनको पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है। सना मकबूल ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, ना कहीं आग लगाई ना कुछ ऐसा किया। लेकिन शिवानी पूरे घर में हर किसी की चुगली करती फिर रही है, हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलती ही जा रही है, आग लगाती जा रही है। तो इस सब से घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी ये दिखा नहीं सना के अलावा कि शिवानी स्टेपर पर कितने इजीली चल रही है। इन सभी कंटेस्टेंट्स में ना दीपक, अरमान और सना मकबूल ही कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंट्रीब्यूट इन द सेंस लाइक कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीपक ऐसे हैं कि अगर सामने वाला सही है तो वो उसके साथ खड़े हैं, और अगर गलत है तो वो उसके सामने खड़े हैं। और अरमान चुगली, नोकझोंक, झगड़ा इन सब में है, दिख भी रहे हैं और कंटेंट भी देने की कोशिश कर रहे हैं। और सना मकबूल भी सबसे बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। इनके अलावा बाकी के कंटेस्टेंट्स तो जैसे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सारे के सारे बस छुट्टी इंजॉय करने आए हैं। सबके लिए ये बात इम्पोर्टेंट हो गई है कि नेजी को भमाए कौन बोल सकता है, नेजी किस किस को भमाए बोल सकता है। नेजी ने सना सुल्तान को ये कहा कि तुम मुझे इसके सामने भमाए मत बोलना, अकेले में बोल सकते हो। सना सुल्तान को इस पर प्रॉब्लम हो गई कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो आपको फिर नेजी ही बोल लूंगी। और नेजी जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। वैसे तो नेजी बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सबके लिए भमाए टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? जलवा है हमारा। किसी के लिए भी गेम इम्पोर्टेंट नहीं है। सारे के सारे भमाए के पीछे लगे हुए हैं, भाईचारे के पीछे लगे हुए हैं। सबको ये समझना पड़ेगा कि ये गेम है, बाहर निकलने के बाद भमाए भमाए करते रहना, पर अभी तो गेम पर ध्यान दो। फ्रेंड्स, आपको बिग बॉस कैसा लग रहा है और कौन सा कंटेस्टेंट आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।